नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में चाची और भतीजे के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां एक नाबालिग भतीजे पर चाची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने न सिर्फ गंभीरता से लिया है, बल्कि इसकी जाँच भी शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित महिला सहित नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोप है कि भतीजे ने घर में अकेली महिला को न सिर्फ बंधक बना लिया, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया है। मामले में फिलहाल पीड़िता ने चुराटा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच में लिया है। बताया गया कि घटना दिनांक को महिला घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए नाबालिग भतीजे ने महिला को कमरे में बंद कर दिया और फिर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित महिला सहित नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया है और नाबालिग पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। ये थाना चुराटा अंतर्गत एक महिला ने शिकायत की है, जिसमें उसने बताया है कि उसके परिवार का ही जेठानी का लड़का, जब वो घर में अकेली थी तो वो गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर से प्रथम दृष्टया FIR दर्ज की गई है। उसके एज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उससे जो एज को उसके मेंशन होगी उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी।